सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। कभी भी अपने निर्णय उन लोगों की सलाह पर मत लीजिए जो कि उस निर्णय से होने वाले परिणाम में आपके सहभागी नहीं होंगी। किसी भी कठिन काम को करने में मिल रही शुरुआती असफलता के बावजूद संघर्ष जारी रखिए, क्योंकि हर काम शुरुआत में कठिन होकर ही बाद में आसान हो जाता है। संसार में सब कुछ अलग अलग हो सकता है, परंतु शिक्षा को किसी से अलग नहीं किया जा सकता। आज का पंचांग 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रात्रि 12:24 तक रहेगी। इसके उपरांत त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्षा नामक नक्षत्र रात्रि 1:55 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 8:33 से 9:56 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:16 से 1:01 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:03 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मेष राशि 25 जनवरी 2021 दिन सोमवार, आपको अपना अधूरा काम समय पर पूरा करने के बहुत से मौके मिलेंगे। आपकी दूसरी परेशानियां भी तुरंत दूर हो जाएगी। उनके बारे में चिंता ना करें। आज अधिक से अधिक काम करने की कोशिश करें क्योंकि आपको आज के अपने सब कामों में सफलता मिलेगी। आप अपने किसी करीबी से सलाह ले सकते हैं। अपने करियर में बदलाव यात्रा का संकेत हो सकता है। यह यात्रा नए और रोमांचक आध्यात्मिक मार्गों के लिए आपकी विचारों का विस्तार कर सकती है। मित्रों और परिवार के साथ सामाजिक बातचीत का आनंद लें। यह उच्च शिक्षा में नामांकन या कुछ नया सीखने के लिए उचित समय है। नए निजी और व्यवसायिक संबंधों के लिए भविष्य की योजनाएं बनाने के लिए समय अच्छा है। अपने परिवार के साथ समय व्यतीत करें। कल्पना करना और काम टालना छोड़ें। आपका परिश्रम ही आपको सफलता दिलाएगा। सफलता हमारा परिचय दुनिया को कराती है और असफलता हमें दुनिया का परिचय कराती है। आपकी मेहनत व परिश्रम से कोई महत्वपूर्ण कार्य संपन्न होगा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह और सहयोग से आपका आत्मबल और आध्यात्मिक और आत्मविश्वास और अधिक बढ़ेगा तथा कोई शुभ समाचार मिलने से घर परिवार में खुशी का माहौल भी रहेगा। फिलहाल आपको जीवन में स्थिरता नजर आएगी। फिर भी अधिक सोच विचार करके पुरानी बातों के बारे में सोचकर पछतावा हो सकता है। इसीलिए जिन बातों को आप बदल नहीं सकते उनके बारे में विचार करना अभी छोड़ दें। पारिवारिक जीवन और व्यक्तिगत जीवन दोनों में आपको प्रगति नजर आने की वजह से समाधान प्राप्त होगा। काम से संबंधित बातों में आपके प्रयत्न को यश मिलने वाला है, इसीलिए छोटी छोटी कठिनाइयों से डरे नहीं। पार्टनर और आपके बीच संवाद ठीक से बना रहेगा। सेहत को ठीक करने के आपके प्रयास सफल रहेंगे। परिवार के लिए कुछ खास कर सकते हैं। विशेष इच्छा पूरी हो सकती है। सावधानियां, दूसरों के सुझावों पर गंभीरता से विचार करें तथा फिजूल खर्ची से बचें, क्योंकि इनमें अचानक ही कुछ खर्चे सामने आ सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के लिए मर्यादा का ध्यान भी अवश्य रखें। किसी भी प्रकार के अनुचित कार्य में दिलचस्पी ना लें। बात करते हैं लव लाइफ की। अपने वैवाहिक जीवन में किसी बाहर के व्यक्ति का हस्तक्षेप ना होने दें। कोई भी मसला आपस में बैठकर सुलझाने से समस्या का हल आसानी से निकलेगा। आज आपका साथी आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। लालसा और अकेलेपन का आज अंत होगा।
आप अपने रिश्ते में एक कदम आगे की ओर बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अपने साथी के साथ इस बारे में विचार विमर्श कर लें, क्योंकि ये साझा है। जल्दबाजी करने से बचें, क्योंकि ये प्यार आपको अपनी मेहनत और प्रयासों के कारण मिला है। आपके साथी के इर्द गिर्द कुछ साजिश की बू आ रही है, ध्यान रखें। अच्छा, आपके जिंदगी में यात्राओं का योग बन रहा है जो धर्म संबंधित भी हो सकती है। साथी से मिलने वाले सरप्राइज का खास अवसर के लिए तैयार हो जाएं। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके खास हैं। बस माता या पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आजकल आपको भूख प्यास नहीं लग रही, ना ही आपका मन काम में लग रहा है, और आपको हर जगह आपको एक ही चेहरा नजर आ रहा है, तो समझ ले कि आप प्यार में पड़ चुके हैं। अपनी इस रंगीन भावनाओं को ब्लैक एंड व्हाइट ना होने दें। अपने पार्टनर को प्राथमिकता दें, लेकिन अपने काम को ना भूलें। बात करते हैं करियर की। आपके अधिकारी या मालिक आप पर अभी पूरी तरह से मेहरबान हैं और आपको जल्द ही पदोन्नति मिलेगी। कार्य या उच्च शिक्षा के लिए आपको यात्रा करने का मौका मिल सकता है। पहचान बनाने की लालसा आपको शीर्ष तक ले जाएगी। बस धन के लेन देन में सावधान रहें। आपका सही समय अभी नहीं आया है, इसलिए इंतजार करना बेहतर है। आपकी तकनीक सही नहीं है, इन पर अच्छे से विचार करें और किसी विशेषज्ञ की सलाह लें। कोई भी निर्णय लेने से पहले सही समय की प्रतीक्षा करें और चीजों को आगे बढ़ाने के बजाय स्वयं आगे बढ़ें। मंजिल आपकी प्रतीक्षा कर रही है। आज के दिन विद्यार्थियों, युवा बेरोजगारों और स्वनियोजित व्यवसायियों के लिए काफी करियर अवसर आएंगे। आप एक ऐसे परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है, और काफी समय से आपको इसके लालसा भी थी। आपको इस अवसर का उपयोग काफी समझ के साथ करना है, क्योंकि ये अवसर दिन भर में कभी कभी ही मिलती है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। आपके पूरे करियर की दिशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है। ये परियोजना विदेश से संबंधित भी हो सकती है। बात करते हैं सेहत की। आप आज अपनी जीवन शैली में सचमुच कुछ स्वास्थ्यकर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगी। आप धूम्रपान छोड़ने और स्वास्थ्यकर एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपके सामने असली चुनौती इस नए रूटीन को बनाए रखने की होगी। अपने इस रूटीन को बनाए रखने के लिए आपको किसी अच्छे पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर मिश्री चढ़ाएं, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।